गुरुवार को जादूगर आनंद के बेटे जूनियर जादूगर आनंद ने शहर की सड़कों पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक को कई किलोमीटर तक चलाकर सबको हैरत में डाल दिया। जूनियर जादूगर आनंद ने इस यात्रा की शुरुआत दुर्गादास चौराहा होंडा एजेंसी के यहां से बाइक चलाने से पहले रघुवीर सिंह भदौरिया के समक्ष अपने आंखों पर कॉटन की पट्टी बांधी गई, जिसके बाद गूंथा हुआ आटा अपने आंखों पर लगाया, जिसके बाद एक अन्य पट्टी बांधी गई, जिसके बाद एक मास्क पहनकर मास्क में ऊपर एक पट्टी एसपी के हाथों बंधवाई, जिसमें उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस मौके पर जादूगर आनंद ने बताया कि जादू हमारे देश की प्राचीन कला है, जिसे संरक्षित करने के लिए एकेडमी बनाना जरूरी है, अन्यथा यह कला विलुप्त तो हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जादूगर आनंद ने इस तरह से बाइक न चलाने की अपील भी की है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। बैडमिंटन क्लब हो और कई क्लब यहाँ पे चलती हैं, चलते रहते हैं, वो बड़े उत्साही हैं लोग, और आपके आने से जरूर इनमें जो है उत्साह रहेगा। जादू आनंद को लोग सभी अपने बचपन से ही जानते हैं, आज ये सब 72 साल के हैं। आज इनसे मुलाकात हुई थी, भला मैं 72 साल का कोई बोल सकते हैं, 72 साल के कोई बता सकते हैं? तो ये इनमें इनके शरीर में भी जादू हो रहा है, और ये जब इनको देखेंगे आप, शायद जिसने नहीं देखा हो, तो वहां पे एक अकल्पनीय चीजें आपको देखने को मिलती हैं, रोमांचक चीजें देखने को मिलती हैं। वही रोमांचक चीज आज यहाँ पे आपको जो है साइकिल ये मोटरसाइकिल करके दिखाना चाहते हैं। और जो उन्होंने मैसेज छोड़ा है, जो उन्होंने मैसेज दिया, ये ब्लाइंड पर्सन भी यदि अच्छे से ट्रैफिक रूल का फॉलो कर सकता है, तो हम आंख वाले क्यों नहीं कर सकते। ये एक मैसेज है। और कल चूंकि थोड़ी सी जो है बात हुई कि भाई जादू आनंद साहब ब्लाइंड होकर और मोटरसाइकिल चलाएंगे, आंख की पट्टी बांध के घबराहट हुई, पत्रकारों में भी हुई और इधर अभी पुलिस में भी हुई, पुलिस वाले हमारे ट्रैफिक इंचार्ज बोले क्यों करे, कैसे होगा ये, ब्लाइंड में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कौन जिम्मेवारी देगा। लेकिन इन्होंने पूरे दमखम से कहा कि पूरी जिम्मेवारी हमारी है, हम तो वर्षों से करते आए हैं और ये जिम्मेवारी हमारी है। इस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया। तो कहीं भी जादूगर के अंदर में उसकी क्या इल्म है वो नहीं पूछा जाता, आप कैसे करेंगे इल्म नहीं पूछा जाता, जिस तरह की पुलिस को उसकी क्या गोपनीय सूत्र नहीं पूछा जाता, उसी तरह इल्म के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो इनके इल्म पे विश्वास करते हुए हम लोग सभी विश्वास करते हैं कि अच्छी तरह ये बिल्कुल सुरक्षित इनकी जो है और बड़ा जो रोमांचकारी ये रहेगा रैली, और आप लोग भी इसमें जो है भाग लें, यही हमारी जो है सबसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस अवसर पर हमको बुलाया। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।